अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब। तो आज है सेकंड रोजे का शाम, शाम नहीं रात हो रही है, 11 बजने को 5 मिनट कम है। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि घर में करने को बहुत सारे काम है। अभी यहाँ बैठा कहीं पे भी भाग जाएगा अभी थोड़े टाइम में। तो ऐसा है, तो आज अभी मैंने मुँह हाथ धो के, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं लग रहा कि मैंने मुँह हाथ धोई हूँ। पसीना पसीना लग रहा है चिप, क्योंकि गर्मी चालू हो गई गाइस, यहाँ पे पसीना भी आ रहा है। और वैसे मैं कल शाम में नहाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब इफ्तारी का सारा काम करके रोज़ा इफ्तार के बाद सारा काम हो गया था, तो गरम गरम पानी से जाके नहाई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने आज भी सोची थी कि मैं आज जाके सारा काम होने के बाद एडिटिंग करके वीडियो प्रोड्यूसिंग पे लगा के चले जाऊँगी नहाने, बट हमारे घर में आज पानी नहीं है। इफ्तार के टाइम पर ही पानी खत्म हो गया था बिल्डिंग के अंदर, तो लोगों ने टैंकर भी मंगाया था, बट वो टैंकर का पानी भी 10-15 मिनट में ख़त्म हो गया, तो पानी की समस्या आ गई। तो अभी कुछ नहीं कर सकते। खैर यहाँ पे अभी मेरे बच्चे खेल रहे, उसमें यहाँ पे पढ़ाई कर रही है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। असाइनमेंट मिला है, बट ये जो पेपर है ना, इसमें ये इसने करके लेके आई है। इसके पास शायद से फुल स्केप पूरा नहीं था, तो इसने सिंगल पेपर में करके लेके आई है, और पेपर भी बहुत ज़्यादा काला काला हो गया। तो मैं बोली चल पेपर चेंज कर दे और उसको कम्प्लीट कर यहाँ पे बैठ के, तो वो वही कर रही है। और यहाँ पे गुंडागिरी कर रहा है गुंडा मेरा, ये मेरा गुंडा, ये मेरे घर का गुंडा है, ये मेरा शोनू पापा। लेकिन मेरे को उसमें बहुत तरस आता है इफ्तारी बनाने के टाइम पे, जो ये मेरे पीछे खड़ा रहता है, हाँ रोते रहता है, मुझे आवाज़ देता है, मुझे खींचता है। बहुत गंदा दिख रहा है, अच्छे से मिटा वो, बहुत ज़्यादा इतना डर्टी डर्टी नहीं होना चाहिए। अभी वो लाए मिटा। अच्छा ठीक है, चल रहने दे, अभी और मिटाएगी तो और ख़राब होगा। हाँ तो मैं कह रही थी मुझे आज़म पे बहुत तरस आता है, मुझे ना वो दिन याद आ जाते जो उस्मा के टाइम पे, उस्मा छोटी सी थी और मैं ब्लॉग बनाती थी, इफ्तारी शेयर करती थी, वही वक्त वापस आ गया। मेरे बच्चे को बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आज़म मेरे बच्चों का योगदान है भाई मेरे चैनल को आगे बढ़ने के पीछे, वरना ऐसे बच्चे लोगों को गोद में लेके बैठना पड़ता है। ये बच्चे हमारे को ब्लॉग बनाने देते हैं माशाल्लाह से। अच्छा ये टीवी का ना सेल नहीं मिल रही, आज़म ने सेल पता नहीं कहाँ डाल दिया, उसकी आवाज़ आ रही पीछे से टारे 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 टारे। यहाँ पे ना आपके भाईजान आए थे, तो मैंने ना उनको बोली थी कि ना कोतमीर और कड़ी पत्ता लेके आना, तो कोतमीर लेके आए हैं, अंगूर लेके आए हैं, पपैया और सेब लेके आए हैं, क्योंकि वो कल भी अगर नहीं आएंगे टाइम पे तो फिर मैं क्या करूँगी। क्या 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 कुछ तो बोले आपके भाईजान, चिकन साफ कर रहे हैं कम पानी में यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ तो वो ही साफ कर। परसों में 2 दिन नहीं आऊंगा, कल भी नहीं रहेंगे, परसों भी नहीं रहेंगे, कल एक्चुअली मेरे मार्केटिंग हेड साथ में है, मैं एड्रेस जाऊंगा। तो मतलब जैसे अभी आ रहे वैसे आएंगे ना? नहीं, तो कल परसों 2 दिन नहीं आऊंगा। तो क्या मतलब, वर्किंग बाद ही होता, वही 9-10 बजे आऊंगा। तो फिर कल परसों मतलब इफ्तारी में एकदम हाई फाई नहीं बनाऊं? नहीं नहीं शादी तेरे हिसाब से। क्या है बाबा, ऐसा थोड़ी ना होता है। और परसों ना मेरे वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट साथ में आ रहे हैं परसों, और कल मार्केटिंग आ रहा है, 2 दिन नहीं रहूंगा। अगर इतने ये नहीं आते ना खाने के लिए, तो ऐसा मन भी नहीं करता कुछ बनाने का। लेकिन क्या हो रहा पता है, 2 दिन से देख रही हूँ कि कुछ बना रही हूँ ना, तो उसमें बड़े एक्साइटमेंट में पूछ रही है, आज आके स्कूल से पूछती है मैं आज क्या बना रहे खास इफ्तारी में। जैसे मैंने बोली चीज बॉल बनाया बेटा, तो खुशी से नाच उठी हो। वैसे खा रहे माशाल्लाह चिकन है ना, माशाल्लाह। तो जाने दो, मैं उसके लिए बना दूंगी कुछ भी, ठीक है ना, उसके लिए बनाऊंगी, तुम्हारे लिए भी रखूंगी, मन किया तो खा ले रखना। रखना नहीं, हम लोग खा लेंगे ना, फिर तुम आके डायरेक्ट खाना खाना आएंगे 10 बजे, तो क्या मतलब है फिर। हाँ तो भी जो भी रहे बचाना थोड़ा बहुत। अच्छा चैप्टर ऐसा बोल रहे जैसे हम लोग अकेले खा लेते हैं, वैसे भी मेरा मन नहीं करता, हमेशा बचाते जा, कुछ भी बचते रहे मेरे लिए। हाँ मैं बचाती हूँ बाबा, क्योंकि वो नहीं खाएंगे तो ऐसा लगता है कि घर में कोई खाया ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है अच्छे से। मुझे कैसा कब लगता है कि मेरा काम खत्म हो गया, जब मैं खाना खाता तब। तो ऐसा है। तो गाइस मैंने ना लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने इसमें कोतमीर वगैरह नहीं डाला था, मैंने बोला था कि मैं गर्म करना चढ़ाऊंगी तो मैं वापस से, लेकिन ये गैस क्यों बुझ गया, गैस खत्म क्या? नहीं वो गैस का मसला है। नहीं नहीं नहीं, अरे रुको ये वाला चल रहा है क्या, मैंने इसमें कोतमीर डाल के गर्म करने चढ़ाया था बाबू, गैस खत्म, गैस खत्म, चालू करके देखो एक बार, उसमें 2 मिनट। हाँ गैस अभी बाटला चेंज करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी बोला आप लोगों को गाइस काम बहुत है, तो देखो एक और काम आ गया हमारे आंग पे। ये चिकन लेकर आए थे, पानी था ही नहीं, और इनको मैं बोली चिकन लेकर आया साफ कैसे होएगा, और मुझे इतने कम पानी में काम करने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। आपके भाईजान लेकिन बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। चलो थैंक यू सो मच। अरे हाथ जलेगा ना, नहीं नहीं गैस खत्म, तो चलो और एक काम बढ़ गया आपके भाईजान का। वैसे अभी ये चिकन साफ करने के बाद है ना, आपके भाईजान आजम का ये जो प्रैम क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आप लोगों ने कमेंट किया था कि नाजिया ये मंगा लो आपके लिए इजी हो जाएगा, आजम को एक जगह अपने बाजू में खड़ा करोगे तो बच्चा खड़े भी रहेगा, इधर उधर भागेगा नहीं, और कहीं बाहर आने जाने के लिए भी ईजी रहेगा आपके लिए। तो ये खुलने वाले आज हम लोग,
हाँ बोल क्या बोल रही थी? 9 8 72 ना, 9 8 8 16 8 4 72 बराबर। मेरे को ऐसा आता, दो दो दुनी चार, दो तीन छः, ऐसा ये एट जा, ये इंग्लिश में बोलती है, हम मेरे को उर्दू है। देख फिर मेरा शेक कर रहा, जा अपना होमवर्क फटाफट जल्दी। सो गाइस आपके भाईजान ने बाटला लगा दिया फटाफट से, सही है ना? अंदर का कॉक वॉक बंद करके लगाया ना बाबा तुमने? हाँ बाबा। हाँ मेरे को डर लगता है, क्योंकि मेरे को सच्ची में बाटला लगाने बहुत डर लगता है बाबा। तुम ये वाला लाइटर से क्यों करती हो ओपन? हाथ तक जलने का डर नहीं लगता क्या तुमको? वाला लाइटर लो। सही में गैस बंद था ना, मतलब खत्म हो गया था ना, खाली हो गया था ना बाटला? हाँ सही बात है, उठा के देखा जी वो है। ये सही कर दो, मुझे इफ्तारी बनाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। बंद हो गया देखो, फिर वो चालू करो मुझे, अभी वो भी स्लो लगा। हाँ बहुत स्लो है। क्यों ऐसा? ये भी क्यों स्लो है? अपने पास तीन बाटला है, मैंने कहा मेरी अम्मी का एक बाटला था, वो मैंने एक रख लिया था, और फिर मैंने अपने नाम के दो बाटले लिए थे। तो क्या किया लेकिन तुमने? मैं बता रहा हूँ उससे। अरे आजम भी आ रहा, आजम चल। देखो खाली बाटले सील कैसे लगी? अच्छा ये सील बोलते हैं, पीली पन्नी नहीं है तो तुम पता नहीं क्या? बाप रे, मतलब ये आदमी अभी मुझे ब्लैक ना पड़ेगा बैटला। लास्ट ब्लैक में लिखे यहाँ का अपने कार्ड पे बुक पे आया, बहुत ब्लैक में। नहीं मेरे को मत बताओ, मैं सीख कर भी नहीं करूंगी कभी, मेरे को डर लगता है। दूसरे को देखते उसका आता रहेगा ना उसमें। ये भी चालू है फिलहाल, बंद करो तो बंद करने का। और ये है ना, ये दिख रहा पास से, ये इसको जब प्रेस करने का और खींचने तो फटाक से निकल जाता है, ठीक है? फिर जो बंद है ना, इसको ओपन कर देना, जो उसमें आदम को लेके जाए ऐसे, दो मिनट रुक जाओ, इसको बंद कर देना हमेशा, और उसको वापस अंदर डाल देना फटाक से, डाल दो पटाख से। मेरे को तो अभी ऐसा वो हुआ कि यार क्या हो गया ऐसा। और ये आराम से आ, ध्यान से पहले सील तोड़ने का, फिर ये खींचने का, तो ये फटाक से खुल जाएगा। अगर ये ऐसे रहेगा अपन खींचेंगे तो खुलेगा, से खींच के, और ये हमेशा बंद करके लगाने का ना अभी। हाँ बंद है, ये ऐसा बंद है नीचे की ओर, ऊपर मतलब खुला है, खुला तो लगेगा भी नहीं, ये प्रेस नहीं होगा। अच्छा इसको वापस प्रेस करने का ऐसा, और अंदर डाल दबा के, ऐसे दबा के। अच्छा। और चेक करने का, फिर इससे उठाने का, चेक ये लगा दिया ना तुमने? हाँ देख, मतलब पूरा बाटला उठा, मतलब प्रॉपर लग गया है ये बिना प्रेस के। ये प्रेस के उठाएंगे तो निकल जाएगा। अभी मैं चालू करता हूँ, अभी आवाज से लगा दिया। अब देख फास्ट है, और मुझे छोटा गैस कब पास करके देंगे? सैटरडे, रमजान खत्म होने के बाद। सैटरडे सैटरडे गाइस, मेरे फोन में कुछ तो दिक्कत आ रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है ना बालकनी के नीचे फेंक दो फोन उठा के, सच्ची। क्या प्यार करती मैं अपने फोन को, और जैसे प्यार करते ना और धोखा देता है ना, दिमाग खराब होता है। तो सही बोली गिरी बाबू, जैसे प्यार करे वो धोखा देता है, क्या कैसा दिल बोलता है? दोनों छोटे छोटे सब बच्चे लोग, गया क्या हुआ तेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया? तू फोन क्यों ली फिर, अभी दूसरी पढ़ाई नहीं करने का? चल हाथ दो खाना खाते, अभी मैं यहाँ से उठाती हूँ। देखो आजम ने क्या किया है हमारे घर में ना गाइस, शूट करने के लिए बहुत कुछ है। मेरे को ऐसा है ना कि टाइम होता है, हाँ क्योंकि अभी मैंने एडिटिंग तकलीफों से की है, दो तीन घंटा मुझे खाली करने। इफ्तारी जब मैं गई थी ना अंदर 8:30 बजे आपके भाईजान आ गए थे बोल के कंटिन्यूसली, क्या हाँ तो आपके भाईजान आ गए थे, तो 8:30 बजे मैं चले गई थी अपना एडिटिंग को। अभी मेरा वीडियो अपलोडिंग पे है, तो मैं बोली चलो थोड़ा सी शूट कर ले, टाइम मिला तो ऐसे।
उस्मा को बताई नहीं हूँ। अब मैं उसको ये बताऊंगी और पहली बार ये डब्बा खुलने वाला है, लेकिन मैं अभी खाने भी नहीं दूंगी उसको। उस्मा मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है। यूहू, क्या है? नहीं पहचानी? नहीं पहचानी, मुंह तो ऐसा बना रही जैसे मालूम ही नहीं है क्या है। पकड़ डब्बा। नहीं पहचानी क्या? वाओ, क्या है? बल्ली मलाई। बल्ली मलाई नहीं, रस मलाई। बल्ली मलाई बोली उसने। इसका नाम सही है क्या? वो रास्पबेरी के था, वो तो बीज बेरी थी। ओ बाबू सेड, उन्होंने टीवी बंद, मेरा सर दुख रहा है व्लॉग में, वो टर 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 बज रहा है। पहचानी अभी? हाँ। कौन खाता है ये? रस है ना तू? मैं नहीं, खाना खाने के बाद। मैं चम्मच वम्मच कुछ नहीं ला रहा हूँ, खाना खाने के बाद। अगर पास पास उस्मा टी की भी आवाज आ रही, तेरे फोन की भी आवाज आ रही। उस्मा के अब्बा को खाना दी थी, दोनों खाना खा चुके शायद, और अब बाबू की आवाज आई है कि उस्मा को अब भी गया एक मिनट पहले मेरा वीडियो। अभी मैं जा रही हूँ उस्मा को रस मलाई देने के लिए। क्या हुआ बेटा, पूरा खाना खाई? सच में झूठ तो नहीं कह रही है? झूठ तो नहीं कह रही? पूरा खाना खाई? पूरी रोटी खत्म की, लास्ट में जो रोटी खत्म हो गया, सारा बचा था। हाँ। तो वो अपन ने खत्म कर दिया, इधर रखी थी। ओके ठीक है, चलेगा। मैं देती हूँ तुझे रस मलाई। जब तू खाना खत्म करती है तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है? रस भी खाने का? हाँ मी। खाली मलाई मलाई नहीं खाने का? ओके। हाँ। अब्बा को पूछ, अब्बा को दू? ले, क्या बोले? मेरे को नहीं चाहिए, मैं अभी खाना खाया। अच्छा तू खा ले आराम से, आजम से दूर रहना। गाइज अब मेरा वीडियो डाल के हो गया, तो अब मैं खाना खाऊंगी। आइए आप लोग भी खाना खाने। अच्छा लग रहा। क्या? आजम को भी अच्छा लग रहा। मत खिला, ठंडा है लेकिन। सो गाइज देख रहे हो इतना लेट, अगर हम लोग के घर में खाना होगा तो हम लोग सहरी क्या करेंगे, इसलिए हम लोग सहरी में खाना पीना इतना नहीं करते। वो कभी उसके साथ कीमा खाऊंगी, लेकिन मुझे चावल बनाने की नौबत ही नहीं आई। रोटी बच गई तो मैं रोटी के साथ ही खा रही हूँ। आइए आप लोग भी खाना खाने। वो पीरा नहीं है, रहने देना, नहीं तो खाना खाने नहीं देगा, बार बार प्लेट में हाथ मारेगा। ऐसी है देखो गाइस जिंदगी, फटाफट करना पड़ता है चीजों को। मैं कंटिन्यूसली मतलब सुबह से लगी हुई, 10 बजे से एक मिनट रुकी नहीं हूँ मैं। ठीक है गाइस, 10 बजे उठी हूँ, इसको स्कूल भेजी, स्कूल भेजने के बाद से आजम का करना, फिर अपना कुछ करना, अपना तो कुछ करने मिलता ही नहीं, फिर इफ्तारी में लगना, फिर एडिटिंग करना, वीडियो डालना, उसके बाद चैन से खाना भी खाने नहीं मिलता। रोटी खाने का मन नहीं कर रहा, रोटी है दूसरी लेकिन मेरा खाने का मन नहीं कर रहा, तो मैंने चावल चढ़ा दिया भाई अपने लिए, पेट भर के खाने का है खाना। चलो बंद करके जाती हूँ उसको, और नहीं तो क्या। खैर अभी आजम को फ्रेश करेंगे, उसको सिलाएंगे। ये खुद उठता है ना, है ना? खुद से उठता गाइस, खुद से खड़ा रहता माशाल्लाह। ये इसको लिटा भी देंगे ना तो फट जाएगा, पता है कैसे गाइस? देख गिरेगा वो, पीछे पलट के देखने की आदत नहीं है उसको, आता भी नहीं उसको। आता है मेरे घर में टीवी न फोन, पता नहीं क्या क्या। हाँ बोल। उसको लिटा के तुम खड़ सकते हैं ऐसे, उसको अपने लिटा दिया ऐसे करके बैठ गए। अब
उसमा भी ऐसी पलंग पर चढ़ती थी और एक बार पलंग पर चढ़ी थी, नोटे पड़ी हुई थी सारी नोटे, तो मैं पूछू बेटा ये कौन है, तो गांधी जी को बोलती है नानू है ये, टकले नानू। देखे होंगे आप लोग ने वो, इसके उसमें टीवी का आवाज़ वॉल्यूम मैंने बंद की तो ये मेरे बाजू में बज रहा है, मेरे को बहुत चिढ़ आती है ये आवाज़ों से, जबकि ना ये दिन भर मेरे घर में नहीं बजता, लेकिन ना 10:30 बजे के बाद मेरे घर में ना ये 12:30 बजे तक के बजता है, ये लोग दोनों के दोनों पता नहीं मेरा मेरे को पागल करके छोड़ेंगे, मेरे को 5 मिनट की आवाज़ भी परवड़ती नहीं, ये लोग ये जो टू उड़ू ये जो ये कार्टून की आवाज़ें आती है ना वो मेरे को बहुत इरिटेट करती है। इतनी बड़ी 6 साल की घोड़ी हो गई, 7 साल लेकिन अभी तक कार्टून ही देखती। तुझे आहा टमाटर से कैसी प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है? टमाटर वो आजम को अच्छा लगता है तो तेको चिढ़ होती है ना, वैसे जो तू देखती है ना वो आवाजों से मुझे चिढ़ होती है, क्योंकि मैं वो काफी साल से सुन रही हूँ, एक ही जैसा सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया है। आप एक पहचान से आपको पता चलता है कि अब्बा आ गए, पता है कौन सी चीज से? खेल को सीडलेस है ना, अब इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, भारी रखेंगे, बहुत उंगलियां दुखती है मेरी। सीडलेस है तो फिर बंधा हुआ कैसा है, फिर अंदर कीड़े रहेंगे इस मतलब, फिर यार मेरी बहुत उंगलियां दुखती है इनके लिए, सीड निकाल के ग्लास में डालने में ना मेरी हालत खराब हो जाती है, कड़क कड़क खजूर रहते हैं ऐसे। तो क्या ये रिमोट दे जरा, मेरे बच्चे का फेवरेट आहा टमाटर लगाऊंगी, दे मुझे मैं लगाऊंगी, तू मेरा दिमाग खराब कर सकती है तो मैं क्यों नहीं करूँ तेरा। अच्छा आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, अभी ले लो, मैं नहीं दे रही उठ के, बहुत सारी कैंची है घर में, काई पे हाथ डालेगा कैंची मिल जाएगी। पानी आया तो चालू करेगा कि नहीं, अपने को छोड़ेगा कि नहीं पानी है? हाँ तो थोड़ा भर के रख लो, अपने पास तो टाकी विकी है नहीं, ठंडा कल से भर रहेगा, सुबह में आएगा पानी, सुबह आएगा पानी। तो गाइस ये है वो, ये जो आजम के लिए मंगा दी, आजम को नींद आ रही है, इसको खेपड़ी को मारो, लगने तो कुछ तो भी लगेगा ना, तब पता चलेगा इतना घूमेगी नहीं, घुसेगी नहीं फिर ये। अब्बा के बजाय मैंने बोल दी ना आज खेपड़ी। अब्बा का डायलॉग आज मैंने बोल दी ना, खेपड़ी कौन बोलता है, देखो ए इसको देखो। इसको कितनी खुशी है, देखो कुछ बोले तो आजम आराम से, हाथ में लगेगा वो मेटल का बेटा। ये देखो ये लोग घर में बॉक्स आया नहीं तो इन लोग को लगता है इनका घर है। वीडियो वगैरह दिखाओ क्या, पैम्पलेट होगा ना, पैम्पलेट देखो ना, कपड़ा अलग है, कपड़ा अलग शायद से। कपड़ा निकालो पहले, कपड़ा ऐसे अटका हुआ है, क्या है वो तुम खुद समझो, मैं चाहिए तो अमेज़न की वीडियो निकाल के देती हूँ, देखो लेकिन मजबूती का ख्याल रखो। लॉक है ना बाबा, लॉक लगाने का, देखो यहाँ पे लॉक है, देखो ये लॉक है, उसमें हट, यहाँ पे ये क्या है फिर? ये एक सांचा है,
छोटा बड़ा हाइट बड़ा छोटा करने का यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। ऐसा लग रहा है ऐसा नहीं आ पाएगा इसके अंदर, आएगा बेटा। अरे सेफ्टी का ख्याल रखो, ये है क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा। बच्चों का कभी सोना रहेगा तो लंबा कर सकते, खिंचा सकते, मतलब खींच सकते। अच्छा ऐसा, हाँ ऐसा। ये पैर रखने वाला है और वो जो अंदर था वो सोने जैसा। हाँ शायद से देखो ये क्या लगता है, इसको टाइट करना है, पैर रखने वाला। इसको टाइट करना है, इसको पीछे लगा दो। हाँ और ये ना सोने जैसा भी था, कुछ तो बताया था। ये पीछे जा डालेंगे तो क्या है क्या मालूम, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। अगर इसको पीछे डालेंगे, ये देखो यहाँ पे है, देखे हाँ ये सो भी सकता है बच्चा। ए तुम नहीं आओ, पीछे जाओ। ए भाई दो वो दो मुझे, दो दो वो दो वो दो खजूर दो। हाँ दो 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 खजूर दो खजूर, अरे खजूर दो। ये मम्मी को दे, उठ रहा नहीं वजन है। दो ना दे दो दो। बोलेगा तुम लोग मेरे को मजाक बना रहे ले, तुम लोग 12:30 बज रहा है, मेरे को सिलाई के लिए तुम लोग। ये देख मैं क्या लो, तू खींच रहा प्रेस करो भैया। लामी कैसे खींचू, क्या खींचू मैसेज की बात, क्या खींचू हां खींच से बार कितनी है पर आना चाहिए ना। दो उसमें रुक जा जरा, मतलब वही ना सुलाने वाला। और तो तुम तो मुझे इतना इरिटेट कर रहे थे, सुन ही नहीं रहे। वीडियो देखो मेरे से पूछ रहे ये क्या होता है ये क्या होता है, इसलिए मैं बोली वहां से कुछ नहीं होता, छोड़ दो। अब मुझे बोल रही हूँ वीडियो देख के, 4 मिनट के वीडियो से सब पता चल जाएगा। कभी कभी गाइस अगर अपने को नहीं समझ में आता ना कि चीज़ें कैसे काम करती है, अगर आप अमेजोन से परचेज करते हो ना तो अमेजोन पे वीडियो भी होती है कि वो प्रोडक्ट को किस तरह से यूज करना है। हाँ तो देखो वापस से वीडियो, तुम्हारा फोन निकालो, मैं लिंक शेयर करती हूँ। देखो मेरे को ये वीडियो फोन का काम है, चार्जिंग पे चढ़ा रही हूँ। बैठो आजम, चलो बैठो। बिस्मिल्लाह लिटाने नहीं बोला मैंने, बैठ के देखने का था मुझे बैठ के देखने का था। आई कड़क है क्या लूज है, बस हो गए। आई तो बच्चा टेका लगाएगा तो जाएगा ना नीचे, कैसे लॉक हो जा रहा सिस्टम है। और फिर निकल देखो, खुशी हो रही देखो आजम कैसे लग रहा वा, ये कैसे लगा आजम का अच्छा लगा अच्छा लगा, कैसे लगा वा आजम आजम कैसे अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे खींचने करेगा तो कैसा बोले तुम, जस्ट ऐसे खींचने, ये खींच के सर पीछे खींचने का ये बोले सर। क्या कहते हो कुछ समझ ही नहीं आता है ऐसा। अच्छा और लॉक करेगा तो ऐसे नॉर्मली क्या खींच के, डायरेक्ट प्रेस करेगा तो लॉक हो जाएगा। अच्छा अरे देखो कितने खींच रहा है उसका, थोड़ा गाड़ी चलाओ जरा, उसको टेका लगाओ, टेका टेका लगाओ उससे आदम को टेका। ये तो आराम से नहीं कंफर्टेबल, उसको लॉक सिस्टम जो है वो लॉक लगा के देखो जरा एक बार। ये रुको लॉक लगाएगी, लॉक लगाएगी सही से तो बिठाओ, कैसे बिठाओ उसको, नहीं वैसा नहीं है, उसको सीधे बिठाओ, पीठ दुखेगी ऐसे सेफ्टी के लिए। और ऊपर का पहले सीधे बैठो, कंधे पे से जो आ रहा हो कंधे पे से नहीं, उसके लिए किसके लिए चुभने ने बोल के लिए क्या
दूसरा सेफ्टी है वो यहाँ से डालने का। हाँ तो वही तो बोल रही मैं, वही बताओ ना। चुभे नहीं था इसको पकड़ने के लिए, यहाँ से डालने का है ना वो। फिर हाँ कुछ भी बोलते ना आपके भाई जान। हाँ तो कुछ भी बोलते ही तो ये बच्चा आगे ना गिरे बोल के पीछे से वो दिया हुआ है सेफ्टी, और मेरे को बोलते चल बे। क्या देखो कितना खुशी आ गया, आदम अच्छा लगा। ओए ये ऐसे पीछे आएगा। हाँ पहले लॉक को करो, ये क्या है ना बार बार गिर रहा बच्चा आगे आ रहा। तो अब मैं समझी, तुम बोल रहे थे ना नीचे आ रहा नीचे आ रहा नीचे आ रहा, नीचे कुछ नहीं आ रहा, ये पीछे का है ना जो ऊपर चढ़ा के अपने को उसको पिनाने का, ये ब्लैक वाला निकालो। आजम रुको माँ, ये जो है ना ये थोड़ा और खींचा जाएगा और इसमें पिनाया जाएगा। आपके भाईजान मेरी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकते, ये मानते हो कि नहीं? चल बे नहीं मानते हो कि नहीं? अभी क्या हुआ लास्ट में, सच्ची बोलो। जो चीज को परेशान थे ये बार बार गिर रहा कि भाई ये आगे क्यों आ रहा है। हाँ अज्जू कैसा लगा माँ को? उसमें भाई के बाजू में खड़ा रहे, एक थंबनेल लेंगे। देखो तो खेलने से बाज नहीं आ रहे तो देख ले भाई, इधर देख, इधर अम्मी को देखा आयशाला। उसको अच्छा लगा, दूध गिर गया दूध गिर गया दूध गिर गया, इसके लिए तेरे अब्बा भाग गए। देखा लगो क्या क्या, ओ माय गॉड पूरा एक लीटर दूध बहा दिए बाबू। इतना फास्ट क्यों, इतना फास्ट क्यों चढ़ाए थे गैस, इतना फास्ट क्यों था गैस? मैं आजम को दूध पिलाने गई थी और आपके भाईजान को बोले थे जरा दूध चढ़ा दो बाबू, तो इन्होंने पूरा आधा लीटर नहीं, ओ क्या हुआ, एक लीटर दूध चढ़ाए थे ना तुमने? किचन गैस वगैरह अभी साफ हुआ था, पानी भी नहीं है अब। ये डायलॉग मुझे बोलना चाहिए। अरे आओ थक गया आस्ते आस्ते। सो गाइस ठीक लगा मुझे वॉकर, यहाँ पे ना ऊपर से देख सकते अपन बच्चे को, पीछे खड़े हैं ना तो पीछे से देख भी सकते ऐसा ऐसा। वहाँ तो मेरा ध्यान भी नहीं था, वो तो उस्मान ने देखी, और उसको ढक भी सकते ऐसा। ये देखो ये ढक्कन दिया हुआ है, वेलक्रो लगा हुआ, बस वो बहुत टेढ़ा हो रहा है। चलो गाइस हो गया, यहीं पे सोएगा, एक आराम मोड पे चला गया एकदम। अच्छा लग रहा है आजम का? नहीं अभी क्या अभी तक छोटी पापा ही क्यों ऐसा क्यों बोली? बड़ा होकर खाई नहीं लगता कुछ, क्यों ऐसा बोल तो जरा क्यों? एक जगह खड़े रहके बात कर। कोई भी इंसान मेरा नाम खराब कर देता है स्टार्टिंग में। कैसे? स्टार्टिंग में ही मेरा मुंह खराब करता है। कोई उपमा, कोई उजमी, कोई ये, कोई उज्जू। माँ क्या चल रहा है? अच्छा मेरे को लगा कोई और वजह है छोटा रहने की। सच्ची सच्ची बोल क्या वजह? मैं टिफिन भी और मेरे को डोरेमोन बुलाते बोलते आज टिफिन में बर्गर खाई क्या, ये सब कैसे? मतलब दुनिया की पंचायतों का टेंशन। अभी आजम को सब समझता नहीं है, इसके लिए उसको भी अच्छा लग रहा है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको याद रहे अरे आप भी कितना परेशान करती है मेरे को। उसको अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। कल से जब अवतार बनाऊंगी ना तो उसको किचन के पास ऐसे खड़ा करूंगी मैं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, मेरा बच्चा वही मेरे साथ खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। आपकी वायरल करेंगे व्लॉग एंड। बाय। और व्लॉग बनाने का सही तक क्यों व्लॉग बनाने का? क्या पी रहे? गुआब्रा। क्या पी रहा? गुआब्रा। क्या? गुआब्रा। 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 तो गाइस अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, अपने दुआ में याद रखना। मेरा आजम यहां पे नहीं खेलने वाला है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
सब्सक्राइब करो, बाय। ये देखो मेरे आदम को देखने का, ये देखने, ये नेट भी आई है साथ में, और ये आदम को बड़ी अच्छी लग रही है। टकली को अच्छी लगी, ये यहाँ अटके की साइड में। चलो गाइस, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना, मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ, बाय।